오지오지만대오자해비라오데라시바레보리바마함사브카르테हम सब करते हैं तुझे प्रणाम सब करते हैं तुझे प्रणाम हम सब करते हैं तुझे प्रणाम अजब है तेरी युग में भगवान श्री हरि विष्णु द्वारिका दीश भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण भगवान के रूप में धरती पर अवतार लियो और वासुदेव जी महाराज जेल का दरवाजा टूट गया। वासुदेव जी महाराज रात में जमुना जी जगा दी। वासुदेव जी भगवान ने ले जा और नंद बाबा रे उठे मां यशोदा रे हाथों में ले जा सौंप दिया। अब नंद बाबा रे थे भगवान बड़ा हो रहा है। कैलाश पर्वत पर शंकर भोलेनाथ अपनी समाधि में बैठा है और एक दिन अचानक भोलेनाथ ने याद आई, जय हो जय हो जय हो आओ क्या बात है। देखो संतों का आशीर्वाद मिल जाता तो फिर दुनिया में भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन संतों में भगवान को देखा है। जोरदार तालियां बजाए के चार
करके कम कर। जैसा तबला वैसे ही वैसे। तो आप सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। शंकर भगवान समाधि में बैठा, अचानक याद आयो कि बहुत समय बीत गए हो, भगवान मिलो ही नहीं हो। और भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से जब भगवान ने देखा तो मृत्यु लोक में मां यशोदा के द्वारे आंगन में भगवान खेल रहा है। भगवान इतना सुंदर, भगवान श्री कृष्ण को रूप बालपने में इतना सुंदर कि आसपास की गुजरियां देखने वास्ते आती। और भोलेनाथ जब उन सुंदर ने रूप ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखो तो साक्षात भोलेनाथ भगवान ने उन रूप ने देखने वास्ते मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं स्वयं जा और स्वयं अपनी नजरों से भगवान रो वो रूप देख लो। अब देखिए सीधा चला जावे तो दुनिया में पहचान लेवे कि भोले बाबा आ गया, क्योंकि सुख थोड़ा दुख बहुत जगत में भोग्या कष्ट भरे रानी, और किन किन का दुख दूर करूं मैं दुनिया दुखी फिरे रानी। यदि किसी ने पहचान लिया कि ये तो भोले बाबा स्वयं आ गए तो किरा किरा दुख मिटाऊला, तो उस समय क्या किया भगवान ने अपने रूप को बदल दिया है, जोगी का रूप धारण कर। और जोगी बन मां यशोदा के द्वारे आया, और जोगी बन मां यशोदा के द्वारे आकर शंकर भोलेनाथ ने अलग जगह ही बोले अलग निरंजन मां यशोदा हो। चंद्रमा घर घर अलग, थोड़ा जोर से अलग, दोनों हाथों को उठा के अलग अलग जगायो। जोगी के रूप में मां यशोदा के द्वारे आ, जब भोलेनाथ अलग निरंजन की आवाज लगाई तो मां यशोदा अंदर घर में एकदम बाहर से अलग की आवाज सुनी तो भिक्षा थाली में भिक्षा ले
और बाहर आई और बोली हो भिक्षा निकली नंद रानी कंचन थाल भरायो ले भिक्षा दा जोगी आसन मेरो लाल डरायो ले भिक्षा निकली नंद रानी कंचन थाल भरायो ले भिक्षा सभी लोग दोनों हाथों को भोलेनाथ के चरणों में उठा ले ताली दे ताली दे ताली 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 ताली अजब है तेरी माया भेद कोई समझ भेद कोई समझ न पाया बोले ले भिक्षा निकली नंद रानी कंचन थाल भरायो और ले भिक्षा जा जोगी आसन मेरो लाल डरायो बोले मारो कन्हैयो सूतो है और तू जल्दी ले और जल्दी थारे रस्ते जा क्योंकि मारो कन्हैयो सूतो है थारो ऐसो अगोरी जैसो रूप है वो देख और मारो कन्हैयो डर गयो तो फिर मैं कठे कठे लेर घूमूला भी ने इलाज कठे कराऊला बोले जोगी राजा जल्दी ले वो और जल्दी जाओ। अब देखो माँ तो कह दियो लेकिन भोलेनाथ जोगी ने रूप में हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोले माँ ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और ये कंचन माया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया दौलत ना चाहिए अजब है तेरी माया।
देखिए भोलेनाथ तो जोगी के रूप में बोले कि ये माँ थारी न तो सोनो चांदी दुनिया ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, माँ यशोदा चक्कर में पड़ गई, बोले कि मांगण वास्ते आए और बोले नहीं चाहिए, बोले बाबा कहीं, बोले माँ थारी ये धन दौलत सोनो चांदी ये दुनिया नहीं चाहिए, मने तो थारो जो गिगलियो अंदर सोरियो है एक बार बिने दिखा दे। और ऐसी आवाज ऐसी बात सुनती माँ यशोदा घबरा गई, बोले जोगी एडी फूटरी फूटरी गुजरिया आवे मैं तो बिनी को नहीं देखे दूर, तू ऐसो जोगी को रूप और तू कहीं बात करे लेनी है तो ले नहीं तो जाओ। भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़ खड़ा हो गया, बोले माई बहुत दूर सो आयो और मैंने थारे एक बार लाडलेरा दर्शन करवा दे। अब देखिए माँ यशोदा कभी राजी नहीं थी, बहुत देर होगी समझाती रही, बोले देख जोगी जल्दी जा, मैं तुझे सिर्फ बहुत प्रेम से समझा रही हूं नहीं तो फिर पहरेदारों ने बुलाऊं। और पहरेदारों की बात करी तो भोलेनाथ कह दियो कि देख माई नंद बाबा को घर है और थारे द्वारे आयो पर जोगी ने खाली भेज देना वापस, दुनिया हंसे ला के देखो नंद बाबा रे उठे जोगी गयो और मैंने खाली भेज दियो वापस, भूडो थारो लागे ला। अपने गिगलिया ने बाहर लिया, जिदा जिद हो गई और उसी समय अंदर पालने में भगवान बहुत जोरदार रोने लग गया। माँ यशोदा रे कानों में आवाज पड़ी तो माँ यशोदा जोगी ने छोड़ और दौड़ी दौड़ी अंदर गई, पालने में भगवान ने उठाया अपनी छाती सो लगाया, वेद जी ने बुलाया, झाड़ा झपटा दिलाया, लूण मर्च कराया, पर भगवान तो चुप ना रहा तो ना रहा, सारा जतन कर दिया। तभी बाहर से जोगी फिर आवाज लगाई, बोले माई थारे कन्हैया ने चुप राखनो है तो बाहर लिया। सारा जतन करने के बाद में माँ यशोदा ने लागो कि अब और कोई चारो भी नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, तो माँ यशोदा देखियो कि चलो जोगी री बात मानर तो देखा कि कहीं, अब देखिए हो मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों कुछ ही और भी याद आता है, आज से अपना प्यार नहीं है, आज से अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों।
और मित्रों, सूरदास जी महाराज आंखों से अंधे थे, लेकिन भगवान सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया। सूरदास जी महाराज ने लिखा कि जब माँ यशोदा भगवान कृष्ण ने अपने गोद में उठार बाहर ले आई, और जैसे ही भगवान कृष्ण, जैसे ही कन्हैया की नजर शंकर भगवान ने उस अघोरी उस जोगी रूप पर पड़ी, जोगी के रूप को देखते ही भगवान ऐसे मग्न हो गए कि रोना भूल गए। छोटे से कन्हैया भगवान शिव जी के उस जोगी के रूप में ऐसे मग्न हो गए जैसे सारा ब्रह्मांड रुक गया हो, पूरी सृष्टि थम गई हो। भगवान भोलेनाथ स्वयं श्री हरि विष्णु के उस बाल रूप में ऐसे मग्न हो गए कि एक तरफ जग के पालन करता, एक तरफ जग के संहारण करता, और दोनों ही एक दूसरे में ऐसे रूप में, ऐसे अलग अलग रूपों में मग्न हो गए कि सूरदास जी महाराज ने अंत में लिखा हो तीन लोग के करता धरता तेरी गोदी आया, तीन लोग के करता धरता तेरी गोदी आया, सूरदास बलिहारी कन्हैया यशमत गोद खिलाया। तीन लोग के करता धरता तेरी गोदी आया, सूरदास बलिहारी संतों का आगमन है। तो आप समझ लीजिए कि ये सब शंकर भगवान के प्रतीक हैं जो इस दुनिया में आए। हमको ऐसा ही लगता है कि अखाड़ा के जितने भी महापुरुष होते हैं वो सब शंकर भगवान, कहीं दूधेश्वर महादेव, कहीं नीलकंठ महादेव, कहीं आपेश्वर महादेव, कहीं सारणेश्वर, कहीं निम्बेश्वर। तो शंकर भगवान के जितने नाम है दुनिया में और किसी देवी देवता के नाम ही नहीं है। आप सड़क पर बिठा दो तो सड़केश्वर महादेव, नीम के नीचे बिठा दो तो निम्बेश्वर महादेव, पीपली के नीचे बिठा दो तो पीपलेश्वर महादेव, पहाड़ों में बिठा दो तो हल्देश्वर महादेव, कहीं परशुराम महादेव। तो ये तो भोलेनाथ की महिमा, ये दुनिया पूरी भोलेनाथ की कृपा से चलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुकुंदपुरी जी महाराज भी भोलेनाथ के अंश के रूप में इस दुनिया में आए थे, जिसके कारण से ये इतना बड़ा विशाल मेला यहाँ पर हो गया। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ बोलेंगे होटलों में। पीछे वालों को कोई नाराजगी है क्या? एक बार पूरा सदन अपने हाथों को उठा ले मेरे साथ में भोलेनाथ के चरणों में, ताली के साथ में, 1 2 3 4। होटलों में होटलों में
हम सब करते हैं, हम सब करते हैं।